अगर आप प्रेग्नेंट हैं और हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं और रोज़ ही ये सोच रहे हैं कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उन 10 फूड आइटम्स के बारे में जो प्रेगनेंसी में आपको भूल के भी नहीं खाने हैं, यानी कि बिल्कुल अवॉइड करने हैं। और अगर आप मुझे भूल चुके हैं तो मैं आपको बता दूँ, मैं हूँ डॉक्टर कंचन शर्मा एंड यू आर वॉचिंग आस्क हेल्थ गुरु। जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं, आपके घर वाले, आस पड़ोस वाले सही बताने लग जाते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन एक हेल्दी और स्टेबल प्रेगनेंसी में क्या नहीं खाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ही प्रेगनेंसी हो, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएं। बेसिक तो हर डॉक्टर बताता है कि क्या प्रेगनेंसी में खाएं, लेकिन सारी डिटेल देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हर पेशेंट को कि क्या नहीं खाना चाहिए। मेरे साथ भी मुश्किल हो जाता है हर पेशेंट से डिस्कस करना कि आप प्रेगनेंसी में क्या ना खाएं। इसी बात को ध्यान में रखे मैंने ये वीडियो बनाया है, जिससे मैं आपसे शेयर कर सकूँ कि प्रेगनेंसी में आपको क्या नहीं खाना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रूट्स की। फ्रूट्स प्रेगनेंसी में बहुत हेल्दी होते हैं। हमेशा जो भी फल खाएं वो सीज़न का खाएं। अब आपको बताती हूँ कि कौन सा फ्रूट आपको नहीं खाना है। तो नंबर वन पे आपको नहीं खाना है ग्रेप्स, यानी कि अंगूर। चाहे काला अंगूर हो चाहे हरा अंगूर हो, आप अंगूर को अवॉइड करें, क्योंकि अंगूर की जो फार्मिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत अनहेल्दी है। दूसरा, इसमें रेस्वेराट्रोल नाम का एक सब्सटेंस होता है, जो कि जो गर्भवती महिला है उसके बच्चे के पैनक्रियाटिक डेवलपमेंट में बाधा डालता है, तो बच्चे का पैनक्रियाज अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, तो इस वजह से भी आप अंगूर को अवॉइड करें। तीसरा कारण कि इसके जो छिलका होता है, खासकर काले अंगूर का, वो बहुत मोटा होता है, जो कि डाइजेशन में बाधा डालता है। तो अगर प्रेगनेंसी में डाइजेशन ही नहीं सही होगा तो इट्स नॉट गुड, या फिर आप और भी चीज़ें नहीं खा पाएंगे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम पपाया की, जिसे कहते हैं पपीता। पपीता अगर पका हो तो अच्छा होता है, लेकिन कच्चे पपीते को बिल्कुल अवॉइड करें। इसमें लेटेक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जो कि गर्भवती महिला के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है गर्भाशय में, जिस वजह से मिसकैरेज का खतरा रहता है। मैं यूजुअली अपने पेशेंट में पका पपीता भी शुरू के 3 मंथ्स तक बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करती। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे पाइनएप्पल की, यानी कि अनानास। पाइनएप्पल में ब्रोमेलेन नाम का सब्सटेंस पाया जाता है, जो कि हमारा बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको खोल सकता है, तो इस वजह से पाइनएप्पल को भी मना किया जाता है प्रेगनेंसी में। अगर बच्चेदानी का मुंह खुलेगा तो मिसकैरेज का खतरा रहता है। तो 3 फ्रूट्स की हमने बात की, अंगूर, पपाया और पाइनएप्पल, ये आपको तीनों प्रेगनेंसी में अवॉइड करने हैं। अब बात करते हैं वेजिटेबल्स की। हरी और पत्तेदार सब्जियाँ बहुत अच्छी होती हैं प्रेगनेंसी में, तो 2 बातों का ध्यान रखें जब आप वेजिटेबल्स खाएं। पहला तो अच्छे से सब्जी को धुलें, क्योंकि पेस्टिसाइड का यूज़ आजकल बहुतायत में होता है, तो पेस्टिसाइड के यूज़ की वजह से आपको अच्छे से उन सब्जियों को धुल के खाएं। दूसरा, उसमें कोई कीड़े वगैरह ना हो, इसीलिए आपको अच्छे से उसे धुल के खाना है। साथ ही साथ उसको अच्छे से पका के खाएं, कच्ची सब्जी ना खाएं। तो 2 बातों का ध्यान रखें, ढंग से धुल के खाएं और कच्ची सब्जी ना खाएं। अब हम बात करते हैं नॉन वेज की। तो नॉन वेज में सी फूड है, फिश है, एग है, मीट है, बहुत कुछ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सी फूड की। सी फूड आजकल बहुत पॉपुलर है, बहुत जगहों पे सिर्फ सी फूड ही खाया जाता है। तो सी फूड में आपको क्या ध्यान रखना है कि वो अंडर कुक्ड सी फूड आपको नहीं खाना। जैसे ओइस्टर है, सुशी है, थोड़ा अंडर कुक्ड होता है, तो अंडर कुक्ड सी फूड अगर आप खाएंगे तो फूड पॉइजनिंग के आपका चांस बढ़ जाएगा। नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं फिश की। फिश वैसे तो प्रेगनेंसी में बहुत हेल्दी होती है, फिश आप खाएं, फिश का ऐसा कुछ मना नहीं कि फिश नहीं खानी। लेकिन अगर आप ओवर ईटिंग करते हैं, आप डेली अगर फिश खाते हैं, तो एक चीज़ का खतरा बढ़ता है, मरकरी आपके ब्लड में बढ़ सकता है। तो अगर मरकरी ब्लड में बढ़ेगा तो बच्चे का ब्रेन और नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट में बाधा पहुँचती है। तो अगर आप फिश खा रहे हैं तो बहुत ओवर ईटिंग ना करें, लिमिट में फ़िश खाएं और अच्छे से उसे भी कुक करके खाएं, अंडर कुक फिश भी ना खाएं। 3rd नंबर पे हम बात कर लेते हैं एग्स की। एग भी आप रॉ यानी कि बिल्कुल कच्चा अवॉइड करेंगे, क्योंकि एग में साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि अच्छे से अगर आप पका के नहीं एग लेंगे, अच्छे से बॉयल करके नहीं खाएंगे, तो वो भी फूड पॉइजनिंग कर सकता है। 4th नंबर पे हम बात करते हैं मीट की। तो मीट भी अच्छे से पका के खाएं, अंडर कुक्ड मीट मत खाएं। मीट अगर आप खा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो अच्छे से पका हुआ हो, क्योंकि उसमें साल्मोनेला है, टॉक्सोप्लाज्मा है, ऐसे खतरनाक बैक्टीरिया भी होते हैं, जिससे कि वजह से फूड पॉइजनिंग हो सकती है और इस वजह से मिसकैरेज का भी खतरा होता है। तो नॉनवेज खाते वक्त इन बातों का ध्यान रखें।
चौथे नंबर में बात करेंगे अनपैस्चराइज मिल्क प्रोडक्ट की। मिल्क अगर पैस्चराइज नहीं है तो उसको बिल्कुल अवॉइड करिए, उसमें पैथोजेंस होते हैं, वो फूड पॉइजनिंग कर सकता है, मिसकैरेज का खतरा रहता है। पांचवें नंबर पे हम बात करेंगे रॉ स्प्राउट्स की। स्प्राउट्स वैसे तो बहुत हेल्दी होते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में स्प्राउट्स को आप अवॉइड करें, क्योंकि उसमें बहुत बैक्टीरिया होते हैं, लिस्ट्रिया, ईकोलाई, साल्मोनेला, ये सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं। सिक्स नंबर पे हम बात करते हैं नट्स की। अगर बहुत गर्मी का मौसम है तो नट्स आप अवॉइड करें, बहुत गर्मी के मौसम में नट्स को ज़्यादा ना लें क्योंकि इसमें गर्मी होती है। अगर ठंड के मौसम में है तो आप नट्स ले सकते हैं। कुछ लोगों को पीनट और कैश्यू की एलर्जी होती है तो वो प्रेगनेंसी में ध्यान रखें, पीनट और कैश्यू ना लें। सातवें नंबर पे हम बात करेंगे टी और कॉफ़ी की। एवरीवन नोस, सभी को पता है कि चाय प्रेगनेंसी में नुकसान करती है, कैफीन कम से कम बॉडी में जाना चाहिए, तो फिर कम से कम टी और कॉफ़ी लें। एट नंबर पे हम बात करेंगे हाई नाइट्रेट फूड की। हाई नाइट्रेट फूड क्या है? सॉसेजेस, बेकन, आर्टिफिशियल स्वीटनर और डाइट सोडा, ये हाई नाइट्रेट फूड है, ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं लेने हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम होती है। दूसरा, ये मॉडिफाइड प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो कि बच्चे की ऑक्सीजन सप्लाई में इंटरफेयर करता है। तो हाई नाइट्रेट फूड को बिल्कुल अवॉइड करें प्रेगनेंसी में। नाइन्थ नंबर पे हम बात करेंगे मुलैठी की, जिसे इंग्लिश में लिकोराइस कहते हैं। आयुर्वेद में मुलैठी को रसायन माना गया है, लेकिन प्रेगनेंसी में मुलैठी आपको नहीं लेनी किसी भी फॉर्म में। मुलैठी का आयुर्वेदिक कफ सिरप्स में होता है या मुलैठी और किसी फॉर्म में आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि मुलैठी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मिसकैरेज का खतरा होगा, तो मुलैठी को प्रेगनेंसी में बिल्कुल ना लें। और लास्ट में टेंथ नंबर पे हम बात करते हैं अल्कोहल की, स्मोकिंग की। ये बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में अलाउड नहीं है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो प्रेगनेंसी में आपको ये नहीं करना है। इसके अलावा एक्सेसिव फैटी फूड, बहुत ज़्यादा शुगर रिच फूड है, बासी खाना है, हमेशा प्रेगनेंसी में फ्रेश फूड खाने की कोशिश करें। बाहर का खाना जो कि कंटेमिनेटेड हो सकता है, बाहर का जूस, ये सब आप प्रेगनेंसी में ना लें। मिर्च मसाले वाला खाना बहुत ज़्यादा, ये सारे कुछ आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है। तो आज हमने बात की उन 10 फूड आइटम्स की जो कि आपको प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं लेने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।